आज की कहानी बड़ी खास और अदब से भरी हुई होने वाली है। कुछ कलाकार सैकड़ों फिल्म करने के बाद भी अनजान बने रहते हैं, तो कुछ कलाकार एक दो फिल्मों के सहारे दर्शकों के ख्यालों के इर्द गिर्द घूमते रहते हैं। राजेश खन्ना की सुपरहिट फिल्म बावर्ची में एक कलाकार ऐसे थे जिनकी अदायगी खुद राजेश खन्ना जितनी शानदार थी। उस फिल्म के आलसी परिजनों के सबसे बड़े बुजुर्ग के रोल में दिखने वाले हरेंद्रनाथ चट्टोपाध्याय का नाम शायद कोई जानता नहीं होगा, पर उनका चेहरा इतना लोकप्रिय है कि कुछ पल के भीतर बावर्ची फिल्म याद आ जाती है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। हेलो दोस्तों, आप सुन रहे हैं मेरी यानी ऋषिता की आवाज आपके अपने चैनल पर, जिसे कहते हैं बायोग्राफी एंड रियल लाइफ स्टोरी। इस चैनल के माध्यम से हमने हमेशा से साहित्यकारों और शायरों की कहानियां पेश किए हैं। उस कड़ी को बरकरार रखते हुए हम हरेंद्रनाथ पर वीडियो बना रहे हैं। अगर हमारा प्रयास आपको अच्छा लगे तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। साहित्य को समझने वाले लोगों को पता ही है कि हरेंद्रनाथ सिर्फ एक्टर नहीं थे, बहुआयामी शख्सियत के साथ वे लेखक, कवि, गीतकार, गायक और अंग्रेजी भाषा के जानकार भी थे। उनके पिताजी अघोरेनाथ चट्टोपाध्याय भारत के पहले व्यक्ति थे जिन्होंने सबसे पहले डॉक्टर ऑफ साइंस की पदवी हासिल की थी। कुछ साल बतौर साइंटिस्ट काम करने के बाद उनका रुख शिक्षा की ओर बढ़ा और उन्होंने भारत में शिक्षा का स्तर बढ़ाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। अंग्रेजी हुकूमत की छाव में बने ढेर सारे शैक्षणिक संस्थाओं के वे प्रिंसिपल भी रह चुके थे। इतना ही नहीं, हैदराबाद में इन्होंने निजाम कॉलेज की नींव भी रखी थी। अब पिता इतने महान थे तो उनके बच्चे भी कुछ कम नहीं थे। अघोरेनाथ की सबसे बड़ी बेटी श्रीमती सरोजनी नायडू से हर भारतीय वाकिफ है। सरोजनी के बाद उन्हें सुहासिनी नामक संतान हुई। उन्होंने भी बड़ी बहन की भांति भारत में जन कल्याण किया, जिसके बाद हरेंद्रनाथ के रूप में सबसे छोटे बेटे का जन्म हुआ। तीनों भाई बहनों ने मिलकर पिता की तरह समाज कार्य करते हुए पद्म भूषण जैसे नागरिक पुरस्कार पर अपना नाम लिखा। हरेंद्रनाथ का जन्म हैदराबाद के एक बंगाली परिवार में 2 अप्रैल 1898 के दिन हुआ था। उस वक्त उनके पिता और माता हैदराबाद में रहते थे। उनकी माता वरदा सुंदरी भी एक कवित्री हुआ करती थी। सरोजनी नायडू के अलावा हरेंद्रनाथ को अन्य 7 भाई बहन भी थे, जिनमें से एक वीरेंद्रनाथ चट्टोपाध्याय का जिक्र जरूरी है, क्योंकि ब्रिटिश राज के दिनों में वीरेंद्रनाथ ने कम्युनिस्ट पार्टी के साथ मिलकर रशिया के मॉस्को शहर में भारत की आजादी के लिए बहुमूल्य योगदान दिया था। हरेंद्रनाथ के बाकी बहन भाई भी आगे चलकर महान साहित्यकार बन गए। हमें लगता है कि बावर्ची जैसी बड़ी फिल्म में छोटा सा किरदार निभाने वाले हरेंद्रनाथ का पारिवारिक इतिहास जानकर आप हैरान हो गए होंगे। आपके दिमाग में ये सवाल भी आया होगा कि एक साहित्यकार एक्टर कैसे बन गया होगा। दरअसल हुआ यूं कि फिल्म जगत के बड़े कलाकारों से उनकी अच्छी पहचान थी। अशोक कुमार तो उनके जिगरी यार थे। दूसरी तरफ महान फिल्मकार सत्यजीत रे साहब ने उन्हें अपनी कुछ फिल्मों में कास्ट करके उन्हें एक्टर बना दिया था। इसलिए हिंदी फिल्मकारों ने भी हरेंद्रनाथ की एक्टिंग की सराहना करते हुए अपनी फिल्मों में कास्ट करना शुरू किया। दरअसल साहेब बीवी और गुलाम उनकी पहली फिल्म थी। सत्यजीत रे उनकी एक्टिंग की प्रतिभा से अच्छी तरह से वाकिफ थे। वे उनके इतने अच्छे दोस्त थे कि उन्होंने सत्यजीत रे के किसी भी ऑफर को कभी ठुकराया नहीं। आगे चलकर ऋषिकेश मुखर्जी साहब भी उनके दोस्त बन गए। आशीर्वाद जैसी कमाल की फिल्म में उन्होंने हरेंद्रनाथ को कास्ट किया और उनसे एक गाना भी गवाया। इस सिलसिले को आगे दोहराते हुए उन्होंने बावर्ची इस फिल्म में भी उन्हें कास्ट किया और इस बार भी एक गाना गवाया।
खुशी मनाओ मिलके, नई बहारें आई देखो फूल खिलाओ मिलके। आपको बता दूं कि हरेंद्र नाथ ने गिने चुने सिर्फ 30 फिल्मों में काम किया था। ज्यादातर फिल्मों में उन्होंने बड़े बुजुर्ग का किरदार निभाया। तीन देवियां फिल्म में भी वे नजर आ चुके थे। देवानंद भी उनकी बहुत कदर करते थे, इसलिए उन्होंने अपनी आगामी फिल्म तेरे घर के सामने इस फिल्म में उन्हें एक छोटा सा किरदार दिया। हरेंद्र नाथ हमेशा से इंग्लिश में ही लिखना पसंद करते थे, इसलिए उनकी इस क्षमता का इस्तेमाल संगीतकार राजेश रोशन ने फिल्म जूली में किया। इस फिल्म का अंग्रेजी गाना माई हार्ट इज बीटिंग आज भी प्रचलित है। हरेंद्र नाथ को सिर्फ कलाकार के रूप में आंकना अपमानजनक होगा, इसलिए उनके द्वारा लिखे गए कुछ कविताओं पर गौर करना पड़ेगा। उनके द्वारा लिखी गई नून, फायर, शेपर शेप्ड, इन तीन अंग्रेजी कविताओं का स्थान बहुत बड़ा है। फायर, इस कविता में उन्होंने उस बालक की स्थिति लिखी है जिसके जन्म के वक्त माता की मृत्यु होती है, और जब उस माता को अग्नि में जलाया जाता है तब अग्नि की लपटों से वो बच्चा सवाल पूछता है। उनका व्यावहारिक जीवन भी बड़ा कमाल का रहा है। हैदराबाद में दिन गुजरते हुए बहन सरोजनी नायडू ने हरेंद्र नाथ की पहचान कमला देवी से करवाई। कमलाबाई उस वक्त 18-19 साल की विधवा लड़की थी। शादी के 2 साल बाद मात्र 16वें उम्र में उनके पति गुजर गए थे। सरोजनी नायडू के कारण हुई इस मुलाकात ने कब प्यार का रूप लिया ये बात कोई समझ नहीं पाया। सरोजनी और सुहासिनी दोनों बहनें अचंभित हो चुकी थी। आगे चलकर 1923 में दोनों ने शादी तो कर ली, पर सामाजिक दबाव के कारण उनका लोगों ने बहिष्कार किया। इस बात से नाराज होकर हरेंद्र नाथ अपने नवेली बीवी को लेकर लंदन चले गए और वहां एक अंग्रेजी कवि पर रिसर्च करने लगे। आपको बता दूं कि कमला देवी भी एक लेखिका और कवित्री हुआ करती थी। उन्हें भी भारत सरकार ने पद्मभूषण देकर सम्मानित किया था। हाल ही के दिनों में खुद गूगल ने उनके जन्मदिन पर उनकी वेबसाइट पर कमला देवी की फोटो लगाई थी। इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हो कि कमला देवी कितनी बड़ी शख्सियत हुआ करती थी। दुर्भाग्य से कमला देवी और हरेंद्र नाथ के बीच राजनीति के चलते तनाव बढ़ने लगे। कमला देवी गांधी जी के साथ मिलकर अलग दिशा में बढ़ रही थी, तो वहीं पति हरेंद्र नाथ साहित्य की ओर चल रहे थे। दोनों के बीच दूरी बढ़ी और भारत के आजादी के बाद वे दोनों भी एक दूसरे से अलग हो गए। इस शादी से उन्हें एक बेटा रामकृष्ण हुआ था। हरेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय का नाम इस बात के लिए भी मशहूर है कि वे आजाद भारत के विजयवाड़ा इस सिटी से चुनकर आए पहले PM भी थे। उन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी की टिकट पर चुनाव लड़ा था। आपको जानकर हैरानी होगी कि उनकी बीवी कमला देवी कांग्रेस की सहयोगी थीं और वे कम्युनिस्ट पार्टी के। शायद उनके अलगाव का ये भी एक कारण हो सकता है। अपने जीवन काल में कई सारे जगहों पर अपनी कला और कलम से लोहा मनवाने वाले हरेंद्र नाथ का देहांत 23 जून 1990 को मुंबई में हुआ।